जय हिंद, वंदे मातरम। आइए साथियों, साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये साथियों 15 टॉप क्वेश्चन है आपके जीएस यानी कि जनरल साइंस के, सामान्य विज्ञान के। तो ये साथियों सभी परीक्षा में सामान्य रूप से पूछे जाते हैं, चाहे वह साथियों आपका पीईटी परीक्षा हो या कोई वनडे एग्जाम हो। तो ये साथियों आपके पीईटी परीक्षा में रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद आगे 15 क्वेश्चन इस तरह से ये सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो चलिए साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं। आंसुओं यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला होता है? आंसुओं को अंग्रेजी में टीयर्स कहते हैं, तो इसमें कौन सा पदार्थ घुला होता है साथियों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य नमक। सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है साथियों? यानी सीएल सोडियम क्लोराइड। ये साथियों जब आपके आंसू आते हैं तो उसका स्वाद कभी आप चखिए तो साथियों हल्का आपको खारा टाइप का लगता है, नमकीन टाइप का लगता है, ठीक है। तो आपके आंसुओं में क्या पाया जाता है? सामान्य नमक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग रस्ट जिसको कहते हैं, जंग को लगती है किसके कारण लगती है? फेरिक ऑक्साइड से। बिल्कुल सही है, फेरिक ऑक्साइड जो होता है साथियों, ये आयरन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है? फेरिक ऑक्साइड, जिससे रस्ट लगता है। बिल्कुल सही है, जल योजित, जब साथियों लोहे पर जल लग जाता है पानी, तो उससे आपका क्या बनता है? फेरस और फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी भी हो जाएगा। और आपका है क्षारीय, क्षारकीय फेरस और फेरिक ऑक्साइड कार्बोनेट से, ठीक है, कार्बोनेट से, फेरिक कार्बोनेट से। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी के कारण, अर्थात तीनों ऑप्शन सही हैं। तो साथियों वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है 15 प्रश्नों का। तो वीडियो अभी आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। अगला है इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो इंसुलिन की खोज साथियों किसने किया था? वेंटिंग ने, वेंटिंग ने, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को जो साथियों मार्केट में आपका डालडा आता है, ठीक है, डालडा, ठीक है, उनको जमे रहते हैं एकदम घी की तरह, तो वो वनस्पति तेल होते हैं, उनको घी में कैसे परिवर्तित किया जाता है साथियों? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ठीक है। तो चलिए इसका पीडीएफ साथियों आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर सभी जीएस के जो प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं उनका पीडीएफ आपको प्रदान कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु क्या होता है साथियों? ऐसी धातु जो दो धातुओं से मिलकर बनती है उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो यहाँ पर साथियों जो स्टील है ये आपका मिश्र धातु है, क्योंकि स्टील साथियों आपका लोहा, लोहा और कार्बन प्लस कार्बन से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है, जिससे आपका जो लोहा होता है कार्बन के मिलने से बहुत ही दृढ़ मजबूत हो जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो याद कर लीजिए, स्टील साथियों लोहा और कार्बन से युक्त होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस, ठीक है, फ्यूल गैस नहीं है, नहीं है की बात कर रहा है, तो भाप, अंगार गैस, वाटर गैस, ये आपका साथियों ये फ्यूल गैस है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस ये भी फ्यूल गैस है, और मार्स गैस तो आपका फ्यूल गैस है ही, ठीक है। हास गैस साथियों, हानि की हंसाने वाला गैस, लाफिंग गैस किसको कहते हैं? N2O को कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, ये साथियों आपका फ्यूल गैस नहीं है, ईंधन के काम में नहीं आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है, ठीक है, कौन सा तत्व ऐसा है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी, सोडियम। सोडियम को साथियों जैसे ही आप वायु यानी हवा में लाएंगे वो साथियों जलने लगता है, क्यों? क्योंकि साथियों वो ऑक्सीजन से तेजी के साथ क्रिया करता है और प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सोडियम धातु को कहाँ पर रखा जाता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये भी प्रश्न परीक्षा में बार बार आता है। अगला है फेदम, ठीक है, फेदम है क्या है साथियों? फेदम मछली पौधा ये सब नहीं है साथियों, बर्तन को नहीं कहते हैं, ये सभी गलत हैं। फेदम साथियों आपका एक मेजरमेंट है भौतिक विज्ञान में, ये साथियों इसके द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई मापा जाता है फेदम के द्वारा, समुद्र की गहराई। तो कभी कभी सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है, तो फेदम में मापी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रिचर स्केल, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो रिचर स्केल साथियों आपका भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रट लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक साथियों अल्फ्रेड नोबेल,
अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल हैं साथियों। क्यों? क्योंकि इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो ये साथियों काफ़ी जो है महान वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम पर जो साथियों आपका नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार साथियों इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, ठीक है, इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो साथियों सीधा प्रश्न आता है कि नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिया गया? पहली बार साथियों 1901 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है, 1901 ईस्वी में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, आप लोग कहते हैं घर में POP करवा लीजिए, ठीक है, वो साथियों प्राप्त किया जाता है किससे? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो साथियों जिप्सम का जो साथियों रासायनिक सूत्र होता है वो साथियों होता है CaSO4 × 2H2O, ठीक है, ये होता है, यानी कि क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। लेकिन क्या होता है साथियों, जब हम यहाँ पर आपको देखिए कैल्शियम सल्फेट में पानी के H2O के कितने अणु हैं? 2 अणु है, ठीक है। इसी में से अगर हम साथियों 1.5 अणु निकाल दें, यानी कि 1/2 बचे, पानी का जो भाग होता है वो 1/2 हो जाए आपके फार्मूले में, तो यही साथियों आपका क्या हो जाता है, POP हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगला है, चिकित्सा व युद्ध के उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? अनुसंधान मतलब खोज होता है साथियों, ठीक है। तो वो कौन सी किरण है? लेजर। लेजर साथियों ऐसी किरण है जो बहुत ही साथियों प्रबल होती है, आपके लोहे के मोटे मोटे टुकड़ों को चंद सेकंडों में साथियों, ठीक है, कई टुकड़ों में बांट सकती है। तो इसी पर लगातार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में और युद्ध के क्षेत्र में लेजर पर साथियों लगातार वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला है, राडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो राडार में साथियों आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है साथियों, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश का जो साथियों नीला दिखाई देना होता है क्यों होता है? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। जो साथियों सौरमंडल में धूल जल आदि के कण होते हैं उससे साथियों जो सौरमंडल से किरणें आती हैं उनका प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो साथियों नीला रंग है वो अधिक प्रभावी हो जाता है, तो साथियों ये आपका इसी के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ बी सही हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, इसके बाद आपको इसका अगला भाग मिलेगा GS का। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सभी थे, ठीक है। चलिए अगला लास्ट प्रश्न देखते हैं। तेज गति से आता हुआ, ठीक है, आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच होता है साथियों अधिक सुनाई देता है। आता हुआ जब आप देखते हैं कोई वाहन आपके नज़दीक आता है तो वो जब तेज़ी से हॉर्न बजाता है तो बहुत तेज़ी के साथ साथियों लगता है कि एकदम जैसे साथियों कान में हल गया है, ठीक है, आवाज़ उसका। तो ये आपका, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये साथियों आपके 15 क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उम्मीद है आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया होगा। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।